बेटा नमस्कार। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और 12 बजे की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पास अभी 15 मिनट पहले डाउट दोबारा से एक बार हरियाणा से आया है वरुण शर्मा जी का, जो होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। और क्योंकि इतने प्यार से डाउट भेजा है तो बेटा मैं कभी मना कर ही नहीं सकता, चाहे मैं सोते में उठ करके बनाऊं, लेकिन बनाऊंगा अवश्य। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दो डाउट है यहां पर। पहला क्वेश्चन नंबर वन, हमारे क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि तीन सब्सटेंस जिनकी कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 2K, K और 3K। टेम्परेचर यहां पर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और यहां दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं फाइंड आउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। बेटा इक्विवेलेंट जब भी हम निकाला करते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है अच्छा लेंथ सबकी बराबर दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम दे रखा है, कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन ही है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको इंटरफेस के टेम्परेचर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन के बहाने थर्मल कंडक्टिविटी से जुड़े हुए कई कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। देखो बेटा हीट यहां से फ्लो होगी और यहां फ्लो होती हुई जाएगी। आप जानते हो बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला DQ/dT इज इक्वल टू KA ΔT/L होता है। और साथ में मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर बता रखा है कि किस तरह से कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी प्ले करती है और कैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहता है। तो मेरा पहला काम है इनके टेम्परेचर जो है जंक्शन के वो पता लगाना, ठीक है बेटा। एक बात बताओ इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, 2K A भाई K की जगह 2K A ΔT यानी कि बेटा 100-T1/L KA ΔT/L की बजाय K तो हो गया 2K और ΔT हो गया 100-T1। अब इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, KA क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी K है और ΔT होगा बेटा T1-T2/L। इससे मुझे पहली क्वेश्चन मिलने जा रही है KA/L कट जाएगा और बचेगा 200-2T1=T1-T2। 2T1 को उधर ले जाओ तो 3T1-T2=200। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन जो T1 और T2 का रिलेशन है। अब इसके बाद बेटा इसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बराबर करो यहां, या फिर पहले और लास्ट की कर लो, सब में एक ही रेट से फ्लो हो रहा है। तो KA T1-T2/L के इसका एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस T1-T2, लेंथ L इज इक्वल टू 3K कंडक्टिविटी, A ΔT T2-0/L T2-0/L KA/L फिर से कट गया, KA/L फिर से कट गया और रह जाएगा T1-T2=3T2 यानी बेटा T1=4T2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई T1=4T2। अब एक सेकेंड के अंदर मुझे T1 और T2 की वैल्यूज मिल जाएगी। पुट इन फर्स्ट वाले में T1 की जगह 4T2 रख दो। यदि मैं ओरली करूं T1 की जगह 4T2 रख दूं, 4T2 का ट्रिपल 12T2 में से एक T2 माइनस हुआ, 11T2=200। तो T2 कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू हो जाएगी 200/11
और T1 की वैल्यू हो जाएगी T2 का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का मतलब 800/11 डिग्री सेल्सियस, ये मेरे पास T1 और T2 आ गया। मैं आपको पुरानी वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि जब भी सीरीज में रॉड लगी होती है तो उनमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर होता है। चलिए अब आगे करते हैं, कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ फ्लो किस हिसाब से हो रहा है। बेटा चाहे इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल लो, चाहे इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, चाहे इसका, मैं अभी निकाल के दिखाता हूं, सेम आएगा। यदि कोई कहे पहले वाले में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस हिसाब से हो रहा है फर्स्ट में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है हीट का, के जिसकी वैल्यू है 2K, ए डेल्टा टी यानी बेटा 100 माइनस टी वन अपॉन एल। ये पहले वाले में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, उसका के तो है 2K, ठीक है बेटा। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो के की वैल्यू है 2K, एरिया है ए, डेल्टा टी है 100 माइनस टी वन अपॉन एल। सॉल्व करके क्या आएगा, 2KA अपॉन L 100 माइनस T1, T1 की वैल्यू है बेटा 800/11। जरा ओरली सॉल्व करो, 11 into 100 1100 माइनस 8 300, 300/11 का डबल कर दो 600/11 KA अपॉन L। अब यदि मैं चेक करने के लिए सिर्फ सेकंड में करवाऊं, आप थर्ड में भी कर लेना वही आएगा, सेकंड वाले में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल, तो के ए अपॉन एल को बाहर रख दो, T1 माइनस T2 800 माइनस 200, 600/11 फिर से आ रहा है। यदि आप ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम आ गए। मेरे बेटा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, थर्ड वाले में भी ट्राई करके देखना, आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एक ही मिलेगा। चलिए ये तो हुआ हमारा T1 और T2 निकालने का और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है ये दिखाने का तरीका। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है एक ऐसी रॉड लेना जिसकी लेंथ इस कॉम्बिनेशन के बराबर हो, एरिया कॉम्बिनेशन के बराबर हो, टेम्परेचर डिफरेंस कॉम्बिनेशन के बराबर हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कॉम्बिनेशन के बराबर हो। यानी कॉम्बिनेशन की लेंथ 3L है तो इसकी लेंथ 3L, कॉम्बिनेशन के एक तरफ 100 और एक तरफ 0 है तो इसमें भी, और फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम हो गया, एरिया A है तो इसका भी A। बस अंतर क्या होगा, कॉम्बिनेशन में बेटा 3 मटेरियल है, इसमें एक अकेला मटेरियल होगा जिसके K को कहूंगा मैं K इक्वल है। यदि इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है तो ये के उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब बेटा इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना है, के इक्विवेलेंट ए डेल्टा टी 100 माइनस 0 यानी कि 100 अपॉन एल, ये इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे फर्स्ट का निकालो, चाहे सेकंड का निकालो, चाहे थर्ड का निकालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तीनों में एक ही रेट से फ्लो हो रहा है। तो मैं फर्स्ट का निकाल रहा हूं, के की जगह 2K ए डेल्टा टी बेटा 100 माइनस T1 अपॉन एल, यानी कि बेटा तुम्हारी मर्जी, यहां पर सेकंड वाले का रेट जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी रख सकते हो या थर्ड का भी रख सकते हो। अब मेरे बालक ए से तो ए कट गया, एल से एल कट गया, यहां बचा के इक्विवेलेंट इनटू 100 इज इक्वल टू 2K इनटू 100 माइनस T1। T1 की वैल्यू है बेटा 800/11 डिग्री सेल्सियस, यहां से नोट कर लिया। तो सॉल्व करके आएगा 11 into 100 1100 माइनस 8 300/11 इंटू 2 600/11 के। ये तो राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, के इक्विवेलेंट इंटू 100 इज इक्वल टू दिस, तो 100 से 600 में 2 जीरो कट जाएंगे और के इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/11 के। यही है हमारा आंसर। तो पहला आंसर आप लोगों ने देख लिया। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, लेकिन यदि एक पार्ट समझ में आ गया तो समझ लो दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट बहुत ही आसानी से समझ में आते चले जाएंगे।
मेन तो आपको पहले पार्ट पर दिमाग लगाना था। चलिए मैं शुरू करता हूं यहां पर। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देख तो रहे होंगे, लेकिन आप कंडक्टिविटी से रिलेटेड मेरी वीडियो को जरूर देख चुके होंगे। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल सिपमी डिजिटल क्लासेस पर जाकर के वहां प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस खोलिएगा और आपको ये मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट में। अगला डाउट, अगला क्वेश्चन इसी का ही एक पार्ट है। वो कह रहे हैं फाइंड आउट द फाइंड आउट फॉलोइंग पार्ट्स, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल करंट। पहले थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल करंट मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं। देखो बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल। इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को कहा जाता है थर्मल करंट। यदि थर्मल करंट कहें तो के ए डेल्टा टी अपॉन एल की वैल्यू निकाल देना, यानी कि आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालनी है। दूसरे नंबर पर यदि थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाए तो मेरे बेटा यहां थर्मल रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के ए। एल अपॉन के ए की वैल्यू निकाल देना और तब आपको थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा था कि भाई देखो, ये तो डाउट आए हैं तो डाउट में सारी थ्योरी नहीं बता सकते। उसका रीजन है कि एक लिमिटेड वीडियो बननी है, लेकिन आप मेरी वीडियोस को सर्च जरूर करना, आपको पूरी डिटेल में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके अगले डाउट को। इस डाउट के अंदर दो रॉड्स जुड़ी हुई हैं। यहां पर एक रॉड है, यहां पर दूसरी रॉड है। लेंथ दोनों की एल है, कंडक्टिविटी 3K और K है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन थर्मल करंट। आप देख सकते हो यदि मैं डेल्टा टी अपॉन आई कर दूं तो एल अपॉन के ए आएगा, वही मैंने लिख रखा है। चलिए अभी शुरू करा जाए, क्वेश्चन को मैं पढ़ने लग रहा हूं, धीरे धीरे पहुंचेंगे। यहां पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड जंक्शन। और वो इसमें पूछ रहे हैं कि भाई थर्मल रेजिस्टेंस बताओ और थर्मल करंट बताओ। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले थर्मल करंट निकाल के बताऊंगा, और मैं शॉर्टकट लेने के बजाय, इसका शॉर्टकट भी है जिसमें हम R=R1+R2 वगैरह का यूज करते हैं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। मैं सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां इंटरफेस का, जंक्शन का टेम्परेचर निकालो। उसके लिए यहां और यहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होगी, यानी के ए डेल्टा टी अपॉन एल सेम होगा। तो इसमें के की जगह 3K, एरिया दोनों का सेम है। डेल्टा टी 300 - t डिवाइडेड बाय एल, ये है इधर का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यहां का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? के ए डेल्टा टी, यानी कि बेटा टी माइनस जीरो अपॉन एल। के ए से के ए कट गया, एल से एल कट गया, जरा ब्रैकेट खोलो तो 900 - 3t इज इक्वल टू 900 - 3t इज इक्वल टू टी माइनस जीरो, तो टी हो गया, तो 4t इज इक्वल टू 900। और इससे मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 900/4। मैं जान के अभी काट नहीं रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी उसी समय कैंसिल आउट कर लेंगे। ये है जंक्शन का टेम्परेचर, कितना? 900/4। अब आ जाओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि थर्मल करंट। तुम्हारी मर्जी, चाहे इसमें निकाल लो या इसमें निकाल लो। थर्मल करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का दूसरा नाम है। चलो इसमें निकालता हूं, के की जगह 3K, ए डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी बेटा 300 - t डिवाइडेड बाय एल। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3KA अपॉन L को तो छूने की जरूरत नहीं है, 300 - t, t की वैल्यू है बेटा 900/4,
तो 4 3 12 1200, 1200 माइनस 900 300, 300 बाई 4 तो ये बचेगा 3 KA अपॉन L इंटू 300 बाई 4 यानी कि बेटा 900 KA अपॉन 4L। ये मेरा क्या आ गया, थर्मल करंट, थर्मल करंट बोलते हैं इसको। अच्छा यदि मैं इसकी थर्मल करंट इस वाले में निकालता तो देखें क्या आती, के ए डेल्टा टी यानी टी माइनस जीरो अपॉन एल, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, टी माइनस जीरो यानी कि बेटा 900 बाई 4 माइनस जीरो, तो 900 बाई 4 माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो आपकी थर्मल करंट ये आती और यहां भी यही आई है। तो यदि आपको के ए और एल की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको आंसर यही छोड़ना पड़ेगा, यही आपकी थर्मल करंट है। ठीक है बेटा, अगले नंबर पर थर्मल करंट आ गया। फिर इसके बाद कहते हैं इक्विवेलेंट थर्मल करंट, इक्विवेलेंट थर्मल करंट चाहे इसे कह दो चाहे इसे कह दो, थर्मल करंट वही है। अब आता है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस होता है डेल्टा टी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन अपॉन थर्मल करंट इन द कॉम्बिनेशन। बेटा जैसे साधारण रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, थर्मल रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल करंट। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है कॉम्बिनेशन का, टेम्परेचर डिफरेंस कॉम्बिनेशन का कितना है, तो जवाब है 300 माइनस जीरो। और थर्मल करंट कितनी है बेटा, थर्मल करंट चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो, यानी कि बेटा 900 के ए अपॉन 4L, ये थर्मल करंट है। तो पूरे कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर डिफरेंस और पूरे कॉम्बिनेशन की करंट को डिवाइड करके कॉम्बिनेशन का थर्मल रेजिस्टेंस आने वाला है और ये होगा 300 इंटू 4L, 4L ऊपर चला गया, अपॉन 900 के ए। अब कैलकुलेशन, 300 का ट्रिपल होता है 900, तो 4L अपॉन 3 KA, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस हमारा आ गया है 4L अपॉन 3 KA, तो क्या मैं थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकालने की कोशिश कर सकता हूं? लेट अस चेक। देखो बेटा इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस तो मैंने थर्मल रेजिस्टेंस बताया हुआ है डेल्टा टी अपॉन आई, जो कि यहां से निकल के आता है एल अपॉन के, यानी इसका थर्मल रेजिस्टेंस है L अपॉन K जो कि 3K है A। इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, L अपॉन KA। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 होता है, जैसे कि साधारण रेजिस्टेंस होते हैं, तो L अपॉन 3KA पहले का और L अपॉन KA दूसरे का, तो सॉल्व करके 3KA LCM आ गया और यहां बचेगा L प्लस 3L जो बनता है 4L अपॉन 3 KA। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आपने जो डाउट पूछा था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और भी कोई डाउट हो तो आप भेजते रहिएगा। रात में हो सकता है कई बार, क्यों सारे दिन का थका मांदा आता हूं कि वीडियो ना बना पाऊं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी क्या आपके दोस्तों की पूरी दुनिया की सबके डाउट्स बताता रहूं। चलिए फिलहाल शुभ रात्रि, बाय बाय।